क्योंकि आकाश ने आपके हाथों से 10 लाख रुपए का चेक छीन लिया। मुझे बहुत बुरा लगा, बुरा तो मुझे भी लगा कमला, पर नहीं, एक करोड़ चौदह ने मेरे हाथ से 10 लाख का चेक छीना है। आज मैं कसम खाता हूँ कमला, जब तक मैं इसे तबाह बर्बाद नहीं करूंगा, आज से इस पर इस घर की बर्बादी यहीं से शुरू होती है। अनुज साहब और ये आगे भाई गुमनाम आदमी हाजिर, इरफान भाई तुम्हारे फूफा जी। अरे भाभी जी, परमार भाभी जी, उसे प्रणाम बोलते हैं। हाँ भाभी जी, क्या मल्ले हो जी? चुनहिया चुनहिया खैनी खाते हो? अरे कैंसर हो जाएगा। 900 की इंग्लिश बोलता है? इंग्लिश नहीं, इंग्लिश बताओ। गोपी कहाँ है? भैया गोपी और दीपा आते होंगे। नमस्ते नमस्ते। अरे भैया भौंकी, इसका गोपी नाम है। गोपी, हाँ भौंकी, गोभी गोभी नहीं हुआ बंधा, भौंकी। अरे इनका सही नाम गोपी, इसका नाम है, उनका नाम भौंकी है। मोनो चवा कहीं भाभी भौंकी। अरे इसका गोपी नाम है भाभी भौंकी। अभी दीपक नहीं आया? दीपक चाय बैठा होटल पिए थे। अच्छा, मतलब वो चाय पी रहा है? हाँ चाय बैठा होटल पी रहे हैं। अच्छा, किस बात कर रहे हैं भैया? टीपर लोड़ी खाती है। और भैया टीपर, भाभी जी। हाँ देवर जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। तुम्हारे चलनी में झुका शीश भाभी, देवर तुमसे कुछ कहना है, सुनो। हमेशा रहो तुम खुशहाली देवर, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है।
भाभी, जब से तुम्हारे कदम हमारे घर में पड़े हुए ना, जब से तुम्हारे चमन हमारे आंगन में पड़े हुए हैं, तब से घर ये आंगन ये तो सर जैसा हो गया है भाभी। और साची कहूं कच्ची बातें हो रही थी कुछ नहीं भैया, मैं तो भाभी से कह रहा था कि भाभी नहीं बल्कि एक हमारी माँ भी है मेरी भाई दीपक। तो जनता की बचपन में हम दोनों के माँ बाप खत्म हो गए थे। हम दोनों का पलन पोषण मेरे चाचा ने किया, चाचा क्या का पलन करना हमारा धर्म है। क्यों नहीं भैया, देख 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 दीपक, कभी पढ़ाई में जी मत चुराना, क्योंकि शिक्षा सही मूल रत्न जिसका कोई मूल्य नहीं है, परिश्रम इंसान की सफलता की कुंजी है। जब तक पढ़ाई करना ताकि समाज में हमारा नाम रोशन हो सके। और गोपी तो चाचा का जलता हुआ चिराग है, कितनी बड़ी उम्मीद है चाचा की, इस बार तो इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीजन जरूर आएगा, ये मुझे भी उम्मीद है। अब तुम दोनों कॉलेज जाओ। हाँ भैया, क्योंकि पढ़ने के भी टाइम हो गया है। मेरे कॉलेज का समय हो चुका है। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते भैया। नमस्ते, जाओ। नमस्ते भाभी। स्वामी जी, और तुम क्या कर रहे? अरे जाके गेहूं में पानी लगा के आओ, चाचा का आदेश है गेहूं में पानी लगा करके आओ। अरे सावित्री जी, हां इन्हें भेजो यार। ए चंगो मंगू, अरे जाओ ना खेत, चले जाओ जाके लगा दो पानी खेत में। अरे लहसुन है ना, अरे तो भैया जगह खेत में घेराबंदी कर दो तार से, ताकि कोई सर फसल का नुकसान न पहुंचा सके। तो
इधर आई था सब इतने इधर आ किसी तरह से इन दोनों को निकाल लिया ए जी खड़े हो जाओ अरे खड़े हो जाओ अच्छा मेरे पास पहले खड़े हो देखो जाओ मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर रखी हूँ जाके चाय पियो अरे मैं मलाई मार के चाय बना के आई हूँ जाओ चाय पियो हाँ शुगर मनाई मारी चाय हम नहीं रोकी अच्छा देखो मैं कल मंदिर गई थी आपके लिए लड्डू रख दी हूँ लड्डू बोलते हैं जाओ और रखा है अलमारी में जाओ तुम भी जाओ भैया आज भाभी काहे खुश हैं आज भाभी जानो मूड धोए एक बार कहूंगा अब तो ना तो दीपक है ना तो गोपी है अन्ना दोनों चंगो मनु है अब तो घर खंड है अब प्यार जब पत पत्नी अंदर हो दरवाजा खटखटा कहना चाहिए था भौजी खुदे खोले पड़ी रहूं क्या चीज रे पल्ला अरे मैं कुंडी लगा दी थी कुंडी ने ऐसे खोले पड़ी रहो पूजा साहिब तक देखा रहूं अब अब्बे आए तो ओए बेशरम आदमी बेशरम का खुरपा भुला के ना खुरपा अरे सावित्री खुरपा बताओ क्या चीज खुरपा वो हमें थोड़ा नासुर लगा हम खोद ले देखो जाओ घर के अंदर चले जो अंगना है ना वहीं पर रखा है भैया भौजी कहा था अंगना में यहाँ धरा है अंगना में हाँ भौजी अरे ठीक है जान निकाल के लाओ वो गोल का अंगना में धरा हुआ है बहुत बुद्धू है तू अरे जाओ तो मैं देखो तो सही सवित्री का आज किस बात में मंगल लग रही है सवित्री और चेहरे मेरी खुशियाँ अब रानी इसलिए बता मैं भी तो सुनूं कौन ऐसी खुशी की बात तेरे साथ बह रही है बताओ हाँ बताओ सावित्री और खुशी की बता दे मुझे Oh,
हो चुका है। कहाँ गया तू? कैसे आ गया तू? भैया ट्रैक्टर में शरावन बांधे ले जा रहा, मुहाने खड़े रहे, चला निकला। अरे कौन अब तक काम पर गया तो घर के अंदर आ गया। आई दिरा खोरपा पूछे भौजी तेरा नाम नहीं मिला रहा है। पूछला शरावन बांधे निकला लेके ट्रैक्टर खच्चम उधर पहिया कूद के शरावन झोली हाथ से परी हम किया गिर मुहाने के अंदर। भैया चुन्ना ओ चुन्ना तुमका बात बताई भैया भौजी का बतलाते रहे। अरे खुशी की बताती हूँ मैं बात तुम बदतमीज का ख्याल होना से जाओ अब तो बदतमीज जाओ। अरे तो हमारे बच्चे की मैं बने वाली हमें पता भी नहीं ये तो हमारे बच्चे की मैं बनेगी तेरा प्यार हमारे दिल में और बढ़ जाएगी। अरे तुम मम्मी कहलाएगी मैं पापा कहलाऊंगा। जिस तो हमारे बच्चे की मां बनेगी तेरा मां समाज घर में बढ़ जाएगा। मेरे चाचा तुझे ग्रह लक्ष्मी कह के पुकारेंगे। क्यों नहीं स्वामी जी? ओ तू 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 मम्मी कवई कवई भैया पापा कवई हम चच्चू कवई चच्चू। एक बात तो ये जब तूने वादा किया थे जब वादा किया निभाना पड़ेगा। रोके जमाना जागे रोके खुदाई Yeah.
जिस काम के लिए तो काम भूल गया। देख तिची, अरे अपने घर छोड़ के मैं कुछ दिनों के लिए बॉम्बे जा रहा हूँ। क्या स्वामी जी, अभी आपने इतना हमें प्रसन्न कर दिए और अब आप हमें दुखी कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बात? पगली में बॉम्बे नहीं गया तो लाखों का नुकसान हो सकता है। तू जानती हमारे घर की रोजी रोटी कपड़ा लाना और बेचना, कपड़े बेटे बॉम्बे पड़ी हुई है और कपड़े बेटे लाने के लिए हमें कुछ दिनों के लिए तुम्हें और अपना घर छोड़ के बॉम्बे को जाना होगा। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इस हालात में छोड़कर हमें मत जाइए। अगर तुम बॉम्बे चले जाओगे तो मेरा देखभाल कौन करे? अरे पगली, अभी तो 5-6 महीने की बात है ना। नहीं, बॉम्बे जाने और आने के लिए सिर्फ 20 दिन का टाइम लगेगा। बहुत जल्द में कपड़े मिलते बॉम्बे से लेकर के स्वयं अपने घर आ जाऊंगा। मैं आपको नहीं जाना, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। अगर बॉम्बे नहीं गए तो लाखों का नुकसान सक जाएगा। मेरे चाचा कहना ही शीघ्र बॉम्बे को जाना होगा मुझे, और चिंता क्यों करती है? झामरे राम लक्ष्मण जैसे दो भाई हो, पिता समान मेरे चाचा हो, क्या कर सकती हूँ? बहुत जल्द मैं बॉम्बे चला जाऊंगा। स्वामी जी, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। तो अच्छे घबरा रही है, जैसे कि मैंने कहा ना कि मेरे राम लक्ष्मण जैसे दो भाई हो, चाचा हो, क्या चाह सकते? बहुत जल्द बॉम्बे से लौटाऊंगा। परदेसी जाके परदेसिया मामा की सारी दौलत पे है। मैं दिन रात यही सोचता रहता हूँ
कि किस तरह से मामा जी की सारी दौलत हमारे हाथ आ जाए। क्या स्वामी जी आप केवल सोचते रहोगे और मामा जी की सारी दौलत हमारे हाथ कभी नहीं आने वाली है। तूने ठीक कहा कमला, जब तक मामाजी का बेटा गोपी जिंदा है मामाजी की दौलत हमारे हाथ नहीं लगने वाली है। क्यों नहीं स्वामी जी? मैं क्या करूं मेरी समझ में नहीं आता है। मैं बतलाती हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा स्वामी जी। जब तक मामा का बेटा गोपी जिंदा है तब तक मामा जी की सारी दौलत सारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ ऐसे नहीं आने वाली है। अब तू ही बता कमला। स्वामी जी मैं तुम्हें जरूर बतलाऊंगी, सुनो मेरी बात। आप जाइए सपेरे के पास। सपेरे के पास? हाँ, और ऐसा जहरीला सर्प लाइए कि जिसको एक बार डस ले वो दोबारा किसी से पानी ना मांगे, और वो सर्प ले जाकर के गोपी के कमरे में रख देना। जब गोपी अपने कमरे में जाएगा तो सर्प गोपी को डसेगा और ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी। वाह कमला वाह, पत्नी मिले तो तू जैसे चाहे 6 महीने बाद मिले। क्यों नहीं स्वामी जी? लेकिन एक बात बता, इस वक्त आकाश कहाँ होगा? क्या आकाश? आकाश तो बॉम्बे गया हुआ है और यही अच्छा मौका है। आकाश बॉम्बे गया हुआ है? जी हाँ, मौका अच्छा है कमला। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ सपेरे के पास, गोपी के कमरे में डाल दूंगा, गोपी को सब कस लेगा, गोपी तड़प-तड़प मर जाएगा और बेटे के गम में वो मामा भी मर जाएगा। फिर उसके बाद में सारी दौलत हमारी हो जाएगी। क्या हमारे लगे खुदा ही एक सांप का? तेरे पास कौन सांप है? पीला पीला है, दो मुही का है, यानी दो मुहा। हाँ। वो नहीं काम करेगा। वो न काम